घंटे का वेतन अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना तो। अब 21 प्लस हेडमास्टर और 500 से अधिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नौकरी खतरे में। अब सारे शिक्षकों का रुक सकता है वेतन और ऐसे में सक्षमता परीक्षा पर लटका तलवार। फिर से मांग हो रहा है कि के पाठक को वापस करो और ये ट्रेंड चल रहे हैं। जिस के पाठक से इतना नफरत था अब उसी वही के पाठक को फिर से लाने का शिक्षा विभाग में क्यों हो रहा है इतना मांग? क्यों चाहते हैं सारे शिक्षा की के पाठक को फिर से लाया जाए? और जैसा कि आप लोग को पता है कि अब पेमेंट में डिले हो सकते हैं, जितने भी शिक्षक हैं पेमेंट उनका रुक सकता है, पेमेंट टाइम से नहीं भी आ सकते हैं। तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, सारे मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ। और जितने भी मेरे साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसे में सक्षमता परीक्षा को लेकर जो डेट रखे गए थे, जो तारीख रखे गए थे कि 26 से 28 सक्षमता परीक्षा का एग्जाम ले लिए जाएंगे, अब वही सक्षमता परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया गया है, तो आखिरकार ये लिए कब जाएंगे? और ऐसे में सक्षमता परीक्षा जो 2 है वो तो अभी लिया जाएगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया होगा। पर ऐसे में जो सक्षमता परीक्षा 1 हो चुका है, जो पहला सक्षमता परीक्षा हो चुका है, इसको क्यों लटकाया जा रहा है? आगे का मंशा क्या है? आखिरकार ये चाहते क्या है? ये करना क्या चाह रहे हैं? सक्षमता परीक्षा 1 हो चुका है, उस पर काम होना चाहिए था, स्कूल आवंटन होना चाहिए था, उसका काउंसलिंग होना चाहिए था। काउंसलिंग का तो कोई अर्थ नहीं होता है, डायरेक्ट विद्यालय का आवंटन होना चाहिए, पर ये नहीं हो रहे हैं। सक्षमता परीक्षा 2 का डेट निकलता है, स्थगित होता है, फिर निकलता है, फिर स्थगित होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ऐसे आखिरकार बार बार क्यों किए जा रहे हैं? क्या उनको सक्षमता परीक्षा से कोई मतलब नहीं है? ये बस परेशान करने के लिए लाया गया था। और ऐसे में के पाठक तो एक माहौल थे, पर एसीएस एस सिद्धार्थ जी जो नए अपर मुख्य सचिव आए हैं शिक्षा विभाग का, एस सिद्धार्थ जी ये तो अलग ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये तो लगातार कार्रवाई का ही बात कर रहे हैं। अब शिक्षक लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होगा, अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना तो उनका पेमेंट कट जाएंगे। अब सारे शिक्षकों को रखना होगा मोबाइल, वो भी बड़ा वाला एंड्रॉयड फोन रखना है उनको। जो ऐप है ई शिक्षा कोर्स, वो ऐप पर जाकर उनका अटेंडेंस बनाना होगा। अगर अटेंडेंस टाइम से नहीं बना तो उनका वेतन उस दिन का कट जाएगा। और ऐसे में अच्छा नेटवर्क रहना चाहिए, चाहे आपका विद्यालय गांव में हो चाहे कोई भी इलाका में हो, नेट पकड़े ना पकड़े उनको कोई मतलब नहीं है, पर आपका अटेंडेंस बनना चाहिए। आपके पास नया मोबाइल होना चाहिए बड़ा वाला, इसमें सिम लगा रहना चाहिए, ऐप रहना चाहिए और अटेंडेंस बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएंगे, पेमेंट कट जाएंगे, अब फोन से अटेंडेंस बनेंगे। इनका एक अलग नया फरमान है और उन्हीं का कार्रवाई है। अभी उनका उनके तरफ से निकले हैं कि जितने भी हेडमास्टर 21 से प्लस हेडमास्टर जो है, तो भैया उन हेडमास्टर और 500 से अधिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनका नौकरी जा सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन जानिएगा तो शौक हो जाएगा। जो भी बच्चे 15 जून तक नामांकन कराए उनका सारा डिटेल अपलोड होना चाहिए। अगर अपलोड नहीं हुए, अगर काम नहीं हुए अभी तक, तो उन पर कार्रवाई किए जाएंगे, सारे पे कार्रवाई किए जाएंगे। और ये सारे के पीछे जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको एक्शन लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो उनको सस्पेंड कर दिए जाएंगे। यानी कि काम पूरे दबाव में होना चाहिए। इनको ये पता नहीं है कि बच्चे लोग का आधार कार्ड में गड़बड़ी होगा, अकाउंट नंबर में गड़बड़ी होगा, कुछ भी हो सकते हैं, उनको इसमें कोई मतलब नहीं। बस 15 जून तक जो बच्चियां हैं उनका सारा डिटेल, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना चाहिए। अब आगे क्या होंगे, नहीं होंगे, क्या दिक्कत है, क्या प्रक्रिया है, उनको कोई मतलब नहीं है। अब इसीलिए सारे शिक्षक लोग मांग कर रहे हैं। और ऐसे में पता है आपको, नीतीश कुमार जो शिक्षक लोग का जो पेमेंट है, जो वेतन है, अब वो केंद्र सरकार तो 60% देता ही था, 40% बिहार सरकार देता था, पर अब नीतीश कुमार मांग किए हैं सड़क और शिक्षक लोग का पेमेंट वो केंद्र सरकार को देना है। अब केंद्र सरकार इस पे काम करेगा, बिहार सरकार को सपोर्ट करेगा और बिहार सरकार आप लोग को पेमेंट देगा। तो इस पे अब पेमेंट में थोड़ा डिले भी हो जाएंगे, पेमेंट रुक भी जाएंगे का दो मंथ का, इसमें घबराना नहीं है। अब यही सब बहुत सारे मुद्दों को देखते हुए शिक्षक लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक लोग को बहुत शांति है, शिक्षक लोग बहुत आराम कर रहे हैं। एस सिद्धार्थ जी के आ जाने से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अभी के पाठक से ज्यादा वो नया फरमान निकाल रहे हैं। के पाठक फिर भी ठीक ठाक थे,
शायद यही कारण है कि शिक्षक लोग फिर से मांग कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि के पाठक ठीक थे, के पाठक को फिर से वापस किया जाए। पर कोई भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे के पाठक चाहे सिद्धार्थ, दोनों उसी टाइप के हैं। ए सिद्धार्थ तो थोड़ा सा उनसे आगे ही है, वो तो बोल नहीं रहे हैं, हवा नहीं बना रहे हैं, ये सीधे कार्रवाई कर दे रहे हैं। आप विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, ऐसे कोई राजकर्मी का दर्जा से कोई मतलब नहीं है। राजकर्मी का दर्जा देकर आप लोग क्या उसको अलग कर दे रहे हैं, ये सबको पता है। शिक्षक ये भी पढ़ाते हैं, न्यू शिक्षक ही पढ़ाते हैं और नए वाले शिक्षक ही पढ़ाते हैं, दोनों का काम है पढ़ाना। न्यू शिक्षक और ट्रेंड शिक्षक हैं और समझदार शिक्षक हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, पर उनको लाभ कम है। अब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जा रहा है। कब मिलेगा पेंशन, कब पेंशन का लाभ मिलेगा, कब मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ, ये सारे लाभ कब मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी कब मिलेंगे, प्रमोशन कब मिलेंगे। अगर आप विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं तो जो सेवा निरंतरता का लाभ होता है वो कहां बात किए आप, सिर्फ विशेष शिक्षक राजकर्मी का बात कर रहे हैं, वो चीज पे भी अभी तक क्लियर नहीं है। और सक्षमता परीक्षा आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, फिर उसको टाला जाता है, फिर से डेट आता है। आप सक्षमता परीक्षा जो पहला लिए हैं किस लिए थे, बस हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए। और अगर मानते सक्षमता परीक्षा हो भी गया, शिक्षक लोग ज्वाइन भी कर लिए, अगर उनको गिरी जिला नहीं मिलेगा, अगर उनके घर के पास जो है जो विद्यालय है वो विद्यालय नहीं मिलेंगे, भैया ये एग्जाम क्यों दिए, सक्षमता परीक्षा देने का क्या मतलब है, सक्षमता परीक्षा क्यों दिए, वो उनको सारे चीज का लाभ मिलना चाहिए। तीन जिला का बात रखे आप तो कहीं उठाकर फेंक दीजिएगा। रैंडमाइजेशन का बात कर रहे हैं तो आप कहीं उठाकर फेंक दीजिएगा। किसी शिक्षक को लक भाई अगर मिल गया बगल में तो उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज रैंडमाइजेशन में तो भाई सारे लोग इधर उधर फेंका जाएंगे, तो फिर से होगा आंसर, फिर से होगा आंदोलन। अब इसी डर से शायद सिद्धार्थ जी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, न इस पर काम कर रहे हैं। सारे न्यू शिक्षा का सीधा सीधा मांग है ऐच्छिक का स्थानांतरण दे, इसीलिए सक्षमता परीक्षा वो लोग दे रहे थे। सेवा निरंतरता का लाभ दे, समान काम समान वेतन का लाभ दे, बहुत सारे राजकर्मी का लाभ दे, ये सब का बात नहीं कर रहे हैं आप, डायरेक्ट सक्षमता परीक्षा का बात कर रहे हैं। तो इस सक्षमता परीक्षा का कोई भी लाभ नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर ले भी लिए जबरदस्ती कोई फायदा नहीं होगा, इसके बाद आंदोलन करेंगे अगर लाभ नहीं मिलेंगे तो। ये सारे शिक्षक तभी भी शिक्षक में ज्वाइन करेंगे सारे न्यू शिक्षक जब ये सारे लाभ मिलेंगे। आप सेवा निरंतरता का लाभ ही नहीं दीजिएगा, नया शिक्षक बहाल कर दीजिएगा उनको, ये क्या नया नया रहेगा, तो उनको फिर क्या फायदा होगा। और ऐसे में शिक्षक लोग आंदोलन करेंगे, फिर से तकलीफ होगा, फिर से रोड पे उतरेंगे। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करें, सारी चीज पे नोटिस निकाले कि सारे लाभ मिलेंगे, अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं आया है। इससे पहले, इससे अच्छा तो पहले थे, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको ज्यादा लाभ है, तो विशेष शिक्षक क्यों बनेंगे, आखिरकार विशेष शिक्षक क्यों बनेंगे। आरटीई सेक्शन 23 जो कोर्ट का फैसला आया था, जो सुनवाई हुआ था, जो सक्षमता परीक्षा देने का जो बात कर रहे थे आप लोग कि नहीं देंगे तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे, उस टाइम फैसला आया था कोर्ट की तरफ से, इसमें क्या क्या लाभ का बात किए गए थे याद है। पेंशन का लाभ मिलेगा, ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगे, कोई एक चीज का लाभ नहीं था, पीएफ मिलेंगे, तमाम सारे लाभ का बात किए गए थे। वेतन भी इंक्रीज होंगे, वेतन तो भाई जितना है आप लोग जोड़ लीजिए, अभी के मुताबिक जो अभी का शिक्षक को मिल रहा है, नया नया जो बाल हुए हैं इसके मुताबिक सारे पुराने शिक्षक को जोड़ लीजिए, लाख तक वेतन चला जाएगा। तब वो फैसिलिटी नहीं लेंगे और आपका विशेष शिक्षक वाला फैसिलिटी लेंगे हम, जिससे हमको कोई लाभ नहीं है, थोड़ा सा भी लाभ नहीं है। राजकर्मी का बस माला पहना दीजिए, क्या होगा राजकर्मी का माला पहनने से, सारे लोग तो पहनकर बैठे हुए हैं, परेशान है, पीड़ित है शिक्षक लोग, तो उससे काम नहीं चलेगा। और सारे शिक्षक का मांग है ये चीज पे क्लियर करें और सक्षमता परीक्षा को लेकर स्पष्ट करें, जो सक्षमता परीक्षा पहला हो चुका है इसमें सारे को लाभ दे। अगर सारा लाभ मिल जाएगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, प्रमोशन का लाभ मिल जाएगा, सारे फंड मिलेंगे, वेतन में बढ़ोतरी होगा, तो पुराने सारे नियोजित शिक्षक खुद व खुद सक्षमता परीक्षा देंगे, खुद शामिल होंगे, खुद विशेष शिक्षक बनेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, सारे लाभ तो दें। और आप सोच रहे हैं कि बस ऐसा ही हो जाए, डरा धमका कर पिछला बार तो फॉर्म भरवा लिए थे, और कुछ शिक्षक डर कर फॉर्म भर दिए थे, कुछ शिक्षक लालच में भर दिए थे कि मेरे घर के बगल वाला विद्यालय में मिल जाएगा, और कोई कारण नहीं था, बस कारण यही थे। तो सारे चीज को लेकर स्पष्ट करें कि सारे नए शिक्षक को क्या क्या लाभ मिलेंगे विशेष शिक्षक बनने के बाद, ना उसमें प्रमोशन का क्लियर किया गया, ना सेवा निरंतरता का बात किया गया,
न कुछ का बात किया गया, न कोई लाभ दिए जा रहे हैं। बस राजकर्मी का एक टोपी पहना दिया जाएगा, उसी से शिक्षक लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा राजकर्मी का टोपी नहीं पहनना है, पागल बनाने वाला काम मत करिए आप। और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, आवाज उठाना होगा, आवाज बनना होगा, सपोर्ट करना होगा। इस सक्षमता परीक्षा का आवाज आज से नहीं चल रहे हैं, लगातार बहुत लंबे टाइम चल रहे हैं, जबरदस्ती और जबरन किए जा रहे थे। ये तो कोर्ट आया था, कोर्ट हम लोग गए थे, इसके बाद थोड़ा राहत मिला, मतलब ये तो सीनियरी कर रहे थे, अब तक तो आप लोग का नौकरी खा जाते हो। गजब गजब बात हो रहा था, ये सब भुलाए नहीं है, अभी भी सारी चीज याद है। और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, सभी लोग आवाज बनने की कोशिश करिएगा, आवाज उठाने का कोशिश करिएगा, ठीक है? अदरवाइज आवाज को सही दबा दिए जाएंगे, कुछ काम भी नहीं होंगे। देखिए रहे, सक्षमता परीक्षा पहला हो गया है, उसका छोड़ दिया गया दो तीन मन चार मन से। दूसरा सक्षमता परीक्षा का डेट आता है, फिर स्थगित होता है, आता है स्थगित होता है, वही चलते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिए, और जो इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी सूचना आएगा, मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से पूरी बात सुनी। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि नियुक्त शिक्षकों को मिल सकता है सेवा निरंतरता और ऐच्छिक ट्रांसफर। तो स्पष्ट रूप से विभाग में के पाठक की मांग है कि भाई अब के पाठक जो है आए, क्या कुछ होता है वो समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद।